नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष राय, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आर भारत। अभी आप देख रहे थे कि लखनऊ का एक मुद्दा चल ही रहा था कि एक महिला ने एक ड्राइवर को, कैब ड्राइवर को, बहुत बेरहमी से जलील किया, पीटा, उसका फ़ोन तोड़ दिया, तमाम चीज़ें। लखनऊ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, अरेस्ट की मांग बहुत ज़ोरों शोरों पर है, अरेस्ट अभी तक हुई नहीं है। देखा जाए तो अगर ये नॉर्मल फाइट का ही मुद्दा है, नॉर्मल चीज़ों का ही मुद्दा है, लेकिन हाँ, लोगों को बुरा इसलिए भी लग रहा है कि भाई एक महिला ने वुमेन एम्पावरमेंट का, जरूरत ज़्यादा मिले हुए सोशल राइट का, फेमिनिज्म का मिस यूज़ करते हुए किसी को जलील कर दिया, पीटा, ह्यूमिलिएट किया, और उसने कुछ नहीं किया और एक्शन के नाम पे कुछ नहीं हो रहा। और फेमिनिज्म को सपोर्ट करने वाले फेमिनिस्ट बड़े बड़े लोग गायब हैं, कुछ नहीं, कोई नहीं दिख रहा आपको, मार्केट में नज़र नहीं आएगी, बात है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ डिस्कशन हो रहा है। लेकिन हाँ, वहीं पे ये बात भी सच है कि जनता ने बहुत लार्ज स्केल पर समर्थन भी दिखाया है, तो एक्शन भी लिया जा सकता है, इसके भी उम्मीद है, देखते हैं। अब यहाँ पे बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली के सिविल डिफेंस वुमेन कमांडो ने बस के ड्राइवर को पहले पीटा, निकाला बाहर, जब गई उसको कई थप्पड़ लगातार और लगाए, जैसे लखनऊ में उस महिला ने कैब ड्राइवर को पीटा, मैडम ने बस ड्राइवर को पीटा, खूब पीटा। और जैसे वहाँ पे लखनऊ के केस में एक लड़का आगे आया तो भी बेचारा थप्पड़ खाया, लेकिन शायद उसने कुछ रिस्पॉन्स किया होगा। उस तरीके से यहाँ भी सारे के सारे खड़े होकर देख रहे हैं। अब इस केस में, दिल्ली के केस में, था कि भैया सरकारी अधिकारी हैं, डर बैठ गया होगा, वुमेन कमांडो है भाई, कुछ भी हो सकता है, हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, और एक तो महिला, ठीक, ऊपर से बागी, तो किसी ने सोचा कि भाई शांति बरतते हैं, पिट गया पिट जाने देते हैं, हाथ खड़े रखते हैं, क्या हो सकता है भाई, क्योंकि एक सोशल फेयर है कि महिला को ना रोक सकते हैं हम, ना छू सकते हैं, ना हाथ लगा सकते हैं। अभी नेगेटिव सेंस में जा रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, एक लिमिट क्रॉस करते वक्त अच्छी नहीं लगती है, तो यहाँ पे लिमिट क्रॉस हो रही है, आजकल हम लोग देख रहे हैं। और इस केस में भी जो फेमिनिज्म के रखवाले हैं, बहुत बड़े बड़े फेमिनिस्ट जो हमारे आजकल सोसाइटी में, जो कभी कभी बिल से बाहर निकलते हैं सेलेक्टिव मुद्दों पे, वो आज छुपे हैं, वो भी बाहर नहीं आ रहे, वो समझाने भी बाहर नहीं आ रहे, उस चीज़ के अगेंस्ट में भी बाहर नहीं आ रहे कि हाँ, एक बैलेंस्ड फेमिनिज्म अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ बैलेंस्ड अच्छी लगती है, ओवर नहीं अच्छी लगती है, या लेस नहीं अच्छी लगती, कहीं एक सीमा पे रहे तो अच्छी बात है। तो आप समय समय पे आइए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने चुने हुए समय समय पे आएंगे, तो वो भी गायब हैं। और यहाँ पे जो जलियत की जा रही, गरीब बस ड्राइवर की, कैब ड्राइवर की, किसी को भी पकड़ के पीट दिया, फेमिनिज्म के नाम पे कुछ भी कर दिया, उसका किसी को ख्याल ही नहीं है, उनकी प्रोटेक्शन की किसी को चिंता ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे दिल्ली सरकार से, लखनऊ पुलिस, ये मैं मांग करना चाहता हूँ कि जो लखनऊ में घटना हुई भाई, उसके खिलाफ़ कुछ करिए, सिर्फ केस दर्ज करने से नहीं होगा, कुछ ठोस कदम उठाइए। और कोई भी जो वुमेन कमीशन है, या कोई भी जितने फेमिनिज्म के रखवाले हैं, प्लीज़ आप कोई स्टेटमेंट दीजिए, कुछ करिए, ऐसा कुछ एक्शन होते हुए नज़र आना चाहिए कि इनफ इज़ इनफ, इस पर भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही है तो बिल्कुल होनी चाहिए। और नहीं तो आदमियों के लिए भी, मेल्स के लिए भी कोई स्पेशल सेल बनना चाहिए, जिसके अंडर में उनको भी प्रोटेक्शन मिल सके, चाहे तो भी फिजिकली अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ड्राइवर, चाहे कैब वाला हो चाहे बस वाला हो, एक कंटा आप खींच के मार देता है, वो वहीं पे गिर जाता है। हाउ कैन यू स्लैप? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। सरकारी महिला के लिए भी कह रहा हूँ, उस लखनऊ वाली लड़की के लिए भी कह रहा हूँ, मैं होता, कोई मुझे कोई परेशान करे, मैं खींच के मार देता एक कंटा, मेरा भी सेल्फ डिफेंस का राइट है, कोई मुझे किस लिमिट तक पीटेगा अगर मेरी उतनी गलती नहीं कि मैं उस चीज़ को, उस सजा को बर्दाश्त करूँ। और अगर कोई मेरी सजा है तो कानूनी प्रोसीजर से जाइए, सरेआम मुझे ह्यूमिलिएट करने का तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट नहीं देता। खैर, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में भी जनता समर्थन दिखाए, आपने बहुत समर्थन दिखाया लखनऊ वाले केस में, वीडियो 60,000 के ऊपर चली गई है, लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, लाइक मिला, सब कुछ मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत समर्थन मिला, लोगों ने बहुत प्रेस किया। आप चाहता हूँ कि दिल्ली वाले केस में भी, हर केस में अगर आपको लगे कि समर्थन की ज़रूरत है, आपके समर्थन की, आपके स्टैंड की ज़रूरत है, तो आप दीजिए, ताकि समाज में एक बदलाव आए, एक पॉजिटिव बदलाव आए, ऐसे मनचढ़े लोगों की मनमानी बंद हो, रुके, कंट्रोल में आए, नहीं तो ये इसकी कोई लिमिट नहीं, चीज़ होती रहेगी जब तक रोकने लगी, जब तक आवाज़ नहीं उठेगी, जब तक इन्हें शर्मिंदा नहीं किया जाएगा, जो तुम कर रहे हो वो फेमिनिज्म नहीं है, मनमानी है। और इस चीज़ के लिए जो सरेआम प्रैक्टिस कर रहे हो अपना फेमिनिज्म, उसके लिए तुम एक कंटाप जोर से खा सकते हो। हाउ कैन यू स्लैप जाएगा कि क्या कर रहे हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।